अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हर्पी टॉस द टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, से 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। तो आपको बोला गया है कि सर आपने दो कॉइन, हरप्रीत जो है वो दो कॉइन टॉस कर रहा है, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? तो लिखेंगे आप टोटल, तो आप लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, सर ऐसा हो सकता है कि एच एच दोनों में हेड आए, एच टी पहला हेड दूसरा टेल, सेम वे पहला टेल और बाद में हेड आए और बाद में दोनों कॉइन पे टेल आए, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो आप बोलोगे सर 4 पॉसिबिलिटी होगी, 4 पॉसिबिलिटी होगी। अभी हम पढ़ते आगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम उसको एक हेड तो मिलना ही चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें एक मिल सकता है, ये दोनों में तो एक एक मिल रहा है और एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, तो टोटल एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एटलीस्ट का मतलब समझ लीजिए कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। ये वर्ड के लिए मैंने ये सम लिया हुआ है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो अभी आप आगे लिखोगे तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो एच टी, टी एच और एच एच। तो आप बोलोगे सर टोटल फेवरेबल आउटकम 4 होंगे, 4 होंगे। तो अभी आप प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे, तो आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3 और पॉसिबल जो आउटकम है वो है 4, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी उसका आंसर होगा 3/4। आपको ये प्रेजेंटेशन थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा और एटलीस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर करना है। आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ये प्रॉपर नोट अपनी नोट में लिख दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे नए वीडियो।